ओके, तो ये कुछ यहाँ पर हो रहा है, रात का वक्त है, और यहाँ पर क्या हो रहा है बाग में? ओए ही अच्छी वे लाइक। जी सो अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं, इस वक्त रास्ते में हैं और जा रहे हैं राजा फार्म मीरपुर खास, और हमें लेने हैं आम जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी है। राजा फार्म मीरपुर खास का बहुत ही फेमस फार्म है, और यहाँ के आम जो है वो दुबई, लंदन और सऊदी अरबिया और कुछ कराची और इस्लामाबाद जाते हैं। तो हम जा रहे हैं लेने आम, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है आम्स की। रास्ता आपको जल्दी जल्दी से दिखाएंगे, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद आपको बताएंगे कि राजा फार्म में क्या हो रहा है, कितना अच्छा ये बाग है और वहाँ पर आम की क्वालिटी क्या है। और सबसे अहम बात कि इस वक्त जब हम सफ़र कर रहे हैं तो शाम के 6 बजे हैं, और जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो ऑलमोस्ट रात हो जाएगी। तो रात में बाग में किस तरह काम होता है वो आपको दिखाएंगे। सो स्टे विद अस हियर, आई एम नईम एंड अलोंग विद मी इज मिस्टर मुर्तजा महर। ओके जनाब, सो हियर वी हैव द राजा फार्म मैंगोज, और आपको यहाँ पर मिलेगी क्वालिटी द डिलीशियस सिंदड़ी, चौसा, अनवर राठौल एंड अलॉट। राजा फार्म का जो आम है वो जो है वो हमारे दोस्त बता रहे हैं, और वो खुद भी अभी बताएंगे कि वो क्या सिर्फ पाकिस्तान में जो है वो सेल होता है या बाहर भी जाता है। तो महबूब साहब बताएंगे, जो राजा फार्म का आम है ये कहाँ कहाँ जाता है? सही, लंदन जा रहा है, अच्छा सऊदी जा रहा है, दोनों मुल्क में जा रहा है। सही, महबूब साहब क्या हमें सस्ता आम मिलेगा और क्वांटिटी क्वालिटी जो है वो हमें यहाँ पर ज़्यादा अच्छी मिलेगी, या बाहर जा रहा है? कोरोना था, कोई कोई ताल्लुक नहीं, क्वालिटी बाहर जा रही है। सही, क्वालिटी फिर भी बाहर जा रही है, फिर भी बाहर जा रही है। अच्छा, रेट इस मरतबा कम हो रहे हैं या वही हैं या ज़्यादा हो? वही है, ज़्यादा 2 रुपया है, कम नहीं। अच्छा जी, हम समझ रहे थे कि शायद हमें सस्ता मिलेगा, क्योंकि ओके जी, तो ये हमारी जो है ना क्या कहते हैं उम्मीदों पे पानी। 1200 ग्राम अंडे भी ठीक हो देसी। जी जी सही, एड़ा एड़ा असावट आयन सही। ओके जी, और अगर इस वक्त सुल्तान राही जिंदा होते तो ये डंडा देकर बड़ा खुश होते। मुझे तो लग रहा है कि ये इस वक्त जो है ना हमारे नईम साहब तो सुल्तान राही का पोज दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इनके हाथ में एक छड़ है जिससे आम उतारे जाते हैं। चलें जी, तो देखते हैं ये कैसे आम उतरते हैं। तो ये दोस्त जो है, इसके हाथ में ये जो छड़ है, इसको छड़ कहते हैं, और इस छड़ के वसीले ये जो है आम उतारे जाते हैं। कि 1 घंटे में अगर 3 लोग हैं तो एक पूरे दरख्त को खाली कर सकते हैं, यानी उसमें जितने भी आम हैं इस छड़ के वसीले से वो उतार सकते हैं। ओके जी, सो सल्यूट टू देम दैट हाउ दे वर्क, हाउ हार्ड दे वर्क, वी आर जस्ट ओनली एंजॉइंग दिस मैंगो, थैंक यू। ओके सो हियर वी गो, हियर वी गो, हियर वी गो, हियर वी गो। तो यहाँ पर हैं आम, ये है सिंदड़ी आम जो जबरदस्त। अकमल भाई के हाथ में एक आप जार देख रहे हैं, येलो कलर की, ये जार का बड़ा कमाल है। अकमल भाई ने हमें ये बताया कि ये आम, इस आम को एक खास जो है मक्खी होती है जो नुकसान पहुंचाती है, अगर उस मक्खी को मारा ना जाए तो इस पूरे बाग में कोई भी आम सलामत ना हो और हम तक ना पहुंचे। ये जार, इस जार में क्या करते हैं, कोई केमिकल है, इस केमिकल को इस जार में लगा के, और यहाँ से इसका जो है होल बना हुआ है, ये देख लें होल, यहाँ से जो मक्खी होती है वो एक ख़ास खुशबू होती है उस केमिकल की, उससे अट्रैक्ट होती है, अट्रैक्ट होकर इस जार के अंदर, इस सुराख के अंदर चली जाती है, और यहाँ पर वो मर जाती है अंदर जाकर। अगर अच्छा, ये जो जार है ये तकरीबन उस्ताद ये हर दरख्त में लगाते हैं? जी जी हाँ, बिल्कुल हर दरख्त में। ओके जी, तो हर दरख्त में ये जार आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हर दरख्त के आम को बचाने के लिए एक ये केमिकल की बरनी या जार लगाते हैं ताकि इसको बचाया जा सके। अगर ये ना हो तो आपको ये भी ना मिलेंगे। हाँ वरी बहुत सारी खबर कौन थी पैदा फैलबो की है आगे चक्कर मोकलम खराब मोकलम ना आने गिला थी पैया छा चंदा नहीं। ओके सो असा मुर्दा भाजी को मजो पे उठे गर्मी हो इतना सब हिता जाए हो या को बाहर हो आए को मुल्तान बुल्तान में हिता हम कौन है
महाराज संतोष कथिया हाँ रात थी आसे आसे को टाइम फॉर द डिनर और ये सारे दोस्त अभी डिनर करेंगे तो हमने सोचा है कि हम भी इनके साथ बैठेंगे और देखेंगे कि हाउ टेस्टी द कुक इज सो हियर वी गो अरे ते बहन लागो में ती दर्शन दा मार पर लागो में दर्द मोटा भाई काल बत हिकड़ी अब मिलवा पक्को मां खाइन दो तू जो निकला भाई सर केरियो केरियो शाम का वक्त था और सुबह से भूखे थे सारा दिन जो है वो फील्ड में थे तो यहाँ पर खाना जो है वो ज़बरदस्त गरम गरम खाना नसीब हुआ है और साथ अगर आम भी मिल जाए तो भाई दोस्त जो है ना बड़े अच्छे मेहमान नवाज़ हैं बावर्ची है हमारे भाई लालू जाए अदा माशू के हाथ में टेस्ट है क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह खा तो डाल रहा हूँ लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मटन कढ़ाई खा रहा हूँ सच्ची में जी मेरा दाल को मटन कढ़ाई कहना शायद उस वक्त खा मजदूरों को अच्छा नहीं लगा जो उस वक्त दाल खा रहे थे बहरहाल उन्होंने मुस्कुराया और खाना जारी रखा तो ये कुछ यहाँ पर हो रहा है रात का वक्त है और यहाँ पर क्या हो रहा है बाग में ये लाइट का इंतजाम हो रहा है जी जी तो ये है मैंगो सुपर क्वालिटी जिसको कहते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी और इस वक्त यहाँ पर एक्सपोर्ट क्वालिटी को अलग किया जा रहा है और वो आम जो बाहर नहीं भेजने उनको अलग किया जा रहा है दिस इज़ वाई द मैंगोज ऑफ द मीरपुर खास आर वेरी मच फेमस इन एंटायर वर्ल्ड ओके सो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि आखिर आम का जो आगाज था काम का वो कब हुआ है तो अदा अकमल ने बताया है कि उन्होंने 11 मई यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई महीने की 11 तारीख से स्टार्ट किया है इससे पहले यहाँ पर पिकिंग का कोई काम शुरू नहीं हुआ था यानी 11 मई महीने से लेकर और इस वक्त जून में हम दाखिल हैं 8 जून की 8 तारीख पर ये बाग मुकम्मल खत्म अब यहाँ पर कोई आम कल के बाद आपको नहीं मिलेगा ऐसे तो कल के बाद ये सारे आम जो आपको यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं ये कल के बाद आपको लंदन में मिलेंगे दुबई में मिलेंगे इस्लामाबाद में मिलेंगे कराची में मिलेंगे और शायद कुछ मीरपुर खास में भी मिल जाए शायद इसलिए क्योंकि राजा फार्म यहाँ नहीं खुलता सीधा लंदन दुबई जी हाँ खुले ना खुले सो बाग ते कावा आप एंजॉय कंदासी हमरा है जी बट देखो ठाए आयो और उन्हें जी भरी उन्हें बमर जी अदा नालो बार बार विसी दोने हैं माशूक अदा ही चाय ब माशूक जी ना जी आए थे सही बोल ओके जी सो शुक्रिया माशूक भाई आपने हमें कावा पिलाया बड़ा अच्छा है पिया नहीं है लेकिन आपका खाना मैंने खाया था और जो दाल बनी थी ना वो बिल्कुल वो दाल जो है ना वो उसमें मटन का टेस्ट था और माशाल्लाह बहुत अच्छे कुक है माशूक भाई जी तो खाया पिया और बाग भी घूमा आपको भी घुमाया और असल मकसद आज यहाँ पर आने का था वो ये था कि हमने कुछ आम परचेज करने थे जो कि हमने कराची भेजने थे तो वो भी हुआ और फिर आपको आज हमने दिखाया बाग तो थैंक यू वॉचिंग के लिए तो इस वक्त लोडिंग की जा रही है मैंगो बॉक्सेस की मेरी गाड़ी में और अब मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आखिर में आपको ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ वेलकम वेलकम वेलकम